नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वर्ष 2019 11 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बार 20 राज्यों में अर्थात 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में जहां पे कि प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ, सभी राज्यों में मतदान के प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। ये एक इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि इलेक्शन कमीशन से लेकर सारे सरकारी विभाग और गैर सरकारी अनेक संस्थाएं मतदाताओं का आह्वान करती रहती हैं कि वे अधिक से अधिक चुनाव में हिस्सा लें, अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर मतदान करें। ये नारा बहुत प्रचलित हो चुका है कि पहले मतदान और फिर जलपान। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखें तो 2014 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार सारे राज्यों में मतदान का प्रतिशत घटा है। तो जब भी मतदान का प्रतिशत घटता है या मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो मतदाताओं में और सभी जनता में एक कौतूहल होता है कि क्या इसकी वजह क्या है और इस घटे या बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का निहितार्थ क्या है, इसका क्या परिणाम होने की संभावना है। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर मतदान प्रतिशत घटता है तो कहीं वो सत्ता विरोधी रुझान को व्यक्त तो नहीं करता, और बहुत सारे लोग इस पर अपना तर्क देते हैं कि घटा हुआ मतदान सत्ता विरोधी रुझान को शो करता है। लेकिन विद्वानों में इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं बन पाई है। और इसी के साथ साथ जो चुनाव के आंकड़े आते हैं या जो चुनाव के रिजल्ट आते हैं वो भी इसका समर्थन नहीं करते। अर्थात अगर देखा जाए तो वास्तव में घटे या बढ़े मतदान प्रतिशत का सत्ता विरोधी या सत्ता के पक्ष में रुझान से किसी प्रकार का कोई कनेक्शन समझ में नहीं आता है। आइए एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी 2-3 महीने पहले मध्य प्रदेश में दिसंबर में विधानसभा के चुनाव हुए थे। जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो दिसंबर 2018 में, तो उसके पहले के विधानसभा चुनावों की अपेक्षा अर्थात 2013 के विधानसभा चुनावों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में 3% ज़्यादा मत मिले थे। और जब 3% ज़्यादा मत मिले थे तो इसका जब निष्कर्ष आया तो आप सभी ने देखा ही कि कांग्रेस और भाजपा में बड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर रही। और बड़े मतदान प्रतिशत के बावजूद भाजपा ने हल्की सी 0.1% की बढ़त मतदान प्रतिशत, जहां तक है अर्थात मत प्रतिशत के संदर्भ में कांग्रेस से बढ़त बनाई हुई थी। अर्थात एंटी इनकम्बेंसी, बढ़ा हुआ मतदान प्रो इनकम्बेंसी भी नहीं शो कर रहा है और एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि लगभग कांग्रेस और भाजपा दोनों के मतदान प्रतिशत एक से दिखाई देते हैं। लेकिन जब 1998 के बाद मध्य प्रदेश में 2003 का जब चुनाव हुआ था तो लगभग 7.2% वोटर्स टर्नआउट ज़्यादा हुआ था, और तब वहाँ पे कांग्रेस को हटा के भाजपा की सरकार बनी थी। तो 7% के आसपास जब कोई डिफरेंस होता है या किसी पार्टी के पक्ष में मतदाता टर्नआउट होता है तब तो लगता है कि शायद सत्ता परिवर्तन होता है 6-7% पे, लेकिन 2-3% पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने देखा कि भाजपा की सरकार 2003 में मध्य प्रदेश में बनी, उसके बाद 2% का इजाफा हुआ 2008 में, फिर भी भाजपा की सरकार बनी रही। 2008 के ऊपर 2013 में फिर 2-3% का इजाफा हुआ मतदान प्रतिशत में, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार बनी रही। तो मतदान प्रतिशत बढ़ता रहा और फिर भी भाजपा की सरकार बनी रही। लेकिन जब हमने देखा कि 2003 में 7% मतदान प्रतिशत बढ़ गया तो कांग्रेस की सरकार बदल गई और भाजपा की सरकार आ गई। तो इस प्रकार से ये एक उदाहरण है जो कि ये हमें समझने की का अवसर देता है कि मध्य प्रदेश को एक नज़ीर बना के जैसे हमने इसमें समझने की कोशिश की है कि चाहे मतदान बढ़ जाए या मतदान घट जाए, उसका कोई स्पष्ट कनेक्शन नहीं होता कि वो सत्ता विरोधी या सत्ता के पक्ष में किसी प्रकार का रुझान को दर्शाता है। तो पहली चीज़ तो हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है। अब अभी जो चुनाव हुए हैं 2019 का जो प्रथम चरण हुआ है,
उसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में बिहार क्यों पिछड़ता चला जा रहा है मतदान के प्रतिशत में, जहां की सबसे कम 50% मतदान हुए हैं, और त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल जैसे जो कभी वामपंथियों के गढ़ हुआ करते थे वहां पे मतदान प्रतिशत 81% के आसपास हुआ। तो ऐसी कौन सी बात है जो कि वहां पे मतदान प्रतिशत को इतना बढ़ा देती है और बिहार में ऐसी, और जबकि दोनों पड़ोसी राज्य हैं। ये और इंटरेस्टिंग बात है कि बिहार और वेस्ट बंगाल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बॉर्डर स्टेट हैं, एक दूसरे से सटे हुए स्टेट्स हैं, और फिर भी वहां के मतदान व्यवहार में इतना अंतर आता है। लेकिन एक बात कभी कभी कही जाती है कि बहुत सारे मतदाता उदासीन हो जाते हैं तो मतदाने नहीं जाते, अर्थात घटे हुए मतदान व्यवहार के संदर्भ में मतदाताओं की उदासीनता का एक लोग तथ्य देते हैं कि उदासीन होने से मतदाता मतदान करने नहीं जाता। लेकिन आजकल इलेक्शन कमीशन ने नोटा का प्रोविजन किया हुआ है। नोटा का मतलब ये होता है कि नन ऑफ द अबव आप इज माई चॉइस, कोई भी उपरोक्त जो कैंडिडेट्स हैं उसमें से किसी को भी मैं पसंद नहीं करता तो मैं नोटा का बटन दबा देता हूँ। तो मतदाता को कम से कम इतना तो इलेक्शन कमीशन ने प्रावधान कर ही दिया है कि हर मतदाता को आपको रिजेक्ट करने का एक राइट दे दिया है। और ये अभी जो मध्य प्रदेश का जिसका बार बार हम लोग संदर्भ ले रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमने इसका परिणाम देख लिया है कि नोटा का प्रयोग करने से कम मतदाताओं ने एक पॉलिटिकल पार्टी को पनिश तो कर ही दिया, भाजपा को पनिश तो कर ही दिया। चाहे वहाँ पे भले ही 11 सीटें भाजपा हार गई नोटा की वजह से, लेकिन और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस को भी बहुमत मिला नहीं, कांग्रेस ने भी एक दो इधर उधर किसी तरह से सहयोगी पार्टियों से अपना तालमेल करके अपनी सरकार बनाई, लेकिन भाजपा को तो पनिश हो गया। भाजपा के अगर वही नोटा के 11 विधायक और जीत गए होते तो भाजपा की बड़े आराम से वहां सरकार बनती। तो नोटा के प्रयोग से कम इलेक्शन कमीशन ने मतदाताओं को ये तो अधिकार दिया है कि अगर वो किसी पार्टी को पुरस्कृत नहीं करना चाहते हैं तो पनिश तो कर सकते हैं। इसलिए ऐसे जो मतदाता हैं, लेकिन अगर वो नोटा का भी प्रयोग करने नहीं आते हैं तो फिर सोचना पड़ता है कि आखिर वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि किसी मतदान व्यवहार के लिए मतदाता को प्रेरित करते हैं या उसको उदासीन बना देती हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात अगर करें थोड़ा सा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है और कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसलिए कि पिछली बार सारी सीटें जो अभी 8 सीटों पर जो प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए वो सारी सीटें भाजपा ने जीती थी वहाँ पर। तो इस तरह से लोगों को लगता है कि भाजपा क्या अपनी वो पकड़ बनाए हुए रखेगी वहाँ पर, या घटे मतदान प्रतिशत का कोई और निहितार्थ है, कुछ पॉइंटर्स और हैं, क्या बीजेपी के मतदाता वहां वोट करने नहीं आए, क्या बात हुई, क्यों मतदान प्रतिशत घटा। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सपा बसपा का अलायंस भी है, प्रियंका गांधी का भी कांग्रेस ने प्रयोग किया है इस चुनावों में, भले ही चाहे सीमित प्रयोग किया है लेकिन सीमित प्रयोग तो किया है। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम सवाल होता है वो ये होता है कि भाजपा और मुस्लिम वोट, ये दोनों बहुत एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं होते हैं ऐसा कि माना जाता है, और ये सारे के सारे जो वेस्टर्न यूपी में चुनाव हुए हैं 8 सीटों पे, ये सब मुस्लिम डोमिनेंट सीटें हैं, यहाँ 40% के आसपास मुस्लिम आबादी मानी जाती है, कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज़्यादा किसी निर्वाचन क्षेत्र में। तो इतनी ज़्यादा जहाँ पे मुस्लिम आबादी हो वहाँ पे मतदान प्रतिशत में गिरावट होना, ये क्या शो करता है, कौन मतदाता, क्या मुस्लिम मतदाता वोट डालने नहीं गया या हिंदू मतदाता वोट डालने नहीं गया, किस पार्टी का मतदाता वोट डालने नहीं गया जिससे कि मतदान प्रतिशत में गिरावट आती है। जब तक इसका हम ठीक से आकलन या विश्लेषण नहीं कर पाएंगे तब तक ये बताना बहुत मुश्किल है कि वेस्टर्न यूपी में बहार किधर बह रही है, कौन इसमें आगे जा रहा है, कौन इसमें पीछे जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको एक छात्र भाव से अध्ययन करने का प्रयास करें तो ये देखना जरूरी होगा कि मतदान घटे मतदान या मतदान के संदर्भ में क्या कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है। वैसे तो अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है, लेकिन अभी आज मैं आपको 3 सिद्धांतों के बारे में संकेत दूंगा जो कि मैं समझता हूं कि प्रमुख रूप से इन सिद्धांतों के आधार पर हम लोगों को घटे या बड़े मतदान प्रतिशत का विश्लेषण करना चाहिए। पहला सिद्धांत तो मैं इसका राजनीतिक पॉलिटिकल थियरी मानता हूँ कि पॉलिटिकल सिद्धांत इसका एक राजनीतिक सिद्धांत हो सकता है, और राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार मतदाता किसी सत्तारूढ़ दल से नाखुश हो सकता है, उसकी नीतियों से, उसकी विचारधारा से, उसके कार्यक्रम से, उसकी निर्णयों से नाखुश हो सकता है, और नाखुश होकर वो उदासीन हो जाता है और कहता है कि साहब जी हम वोट डालने नहीं जाएंगे। तो फिर अगर वो
लोग कहते हैं कि साहब अगर वो सत्तारूढ़ दल से नाराज है तो फिर तो उसको और जाके बढ़ चढ़ के मतदान देना चाहिए कि विपक्षी दलों को मतदान करे। लेकिन प्रॉब्लम मतदाता की ये होती है कि विपक्षी दलों को मतदान तो करना चाहता है लेकिन विपक्षी दल कोई वैकल्पिक मॉडल नहीं देते कि उनकी क्या विचारधारा है, उनकी क्या नीतियाँ हैं, उनकी क्या कार्यक्रम है, वो लोग क्या करेंगे। और क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड होता है, उनका जो इतिहास होता है, वो भी उसके सामने होता है, उसने विपक्षी दलों को भी देखा होता है। तो चुनावों में घोषणा पत्रों की बात छोड़ दें, और घोषणा पत्रों को कोई मतदाता सीरियसली लेता नहीं है, पढ़ता भी नहीं है। कुछ मूल एक आध बातें जो मीडिया में उछल जाती हैं वही चलती रहती हैं, लेकिन सीरियसली कोई मतदाता बैठ के जो घोषणा पत्र पढ़ के किसी कैंडिडेट को जाके वोट दे, ऐसा बहुत रेयर केसेस में ही होता है। नॉर्मली मतदाता घोषणा पत्र में बहुत ज़्यादा विश्वास करता नहीं है। हाँ, उसका मेन चीज़ ये होता है कि विपक्षी दलों ने क्या कोई अल्टरनेटिव मॉडल दिया है कि नहीं दिया है। अगर अल्टरनेटिव मॉडल नहीं दिया है तो भी उसकी दिलचस्पी विरोधी दलों में नहीं होती, तो इससे भी वो थोड़ा सा हतोत्साहित होता है और मत डालने से बचता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो राजनीतिक दल हैं या जो कैंडिडेट है वो किसी कारण से, निर्वाचन क्षेत्र बड़ा हो सकता है, संसाधनों की कमी हो सकती है, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन वो मतदाताओं तक पहुंच नहीं पाता। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे तो मतदाता गांव के गांव बहिष्कार कर देते हैं मतदान का, और इसी आधार पर कर देते हैं कि जी उनसे तो कोई वोट ही मांगने नहीं आया, उनसे तो पिछले चुनाव के बाद जीत के कोई मिलने ही नहीं आया, इस चुनाव में उनसे कोई वोट ही नहीं मांगने आया, तो वो क्यों वो किसी को वोट दें। तो ये भी एक इशू होता है। कभी कभी रॉन्ग चॉइस ऑफ कैंडिडेट लोकल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हम किसी नेता को पसंद कर सकते हैं, फर्ज़ कीजिए कि प्रधानमंत्री जी हैं या राहुल गांधी जी हैं, इन लोगों को हम पसंद कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत रद्दी कैंडिडेट को टिकट दिया है, उस रद्दी कैंडिडेट को हम नहीं जिताना चाहते तो भी हम घर में बैठ जाते हैं कि जी हम नहीं जाएंगे। और अभी जैसे एक सपा और बसपा का अलायंस हो गया, उत्तर प्रदेश में अलायंस हुआ, सपा बसपा उत्तर प्रदेश की ही मूलतः पार्टियाँ हैं, यहीं पे वो प्रभावी हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा कि सपा और बसपा के जो नेता हैं, टॉप लीडरान हैं, ये तो आपस में मिलके और इन्होंने गठबंधन कर लिया, लेकिन इनके नीचे का जो कार्डर है वो बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि भाई जिस पार्टी से वो 25 साल से लड़ रहा है उस पार्टी को अचानक वो समर्थन दे, ये थोड़ा सा एक गले में बात जल्दी उतरती नहीं है। लाख ऊपर कॉस्मेटिक पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो हो जाए, लेकिन ग्रास रूट्स पे जब तक दिल नहीं मिलते हैं, ग्रास रूट्स पे जब तक एक दूसरे के साथ हम नहीं आते हैं, तब तक वोट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जहां सपा का प्रत्याशी है वहां हो सकता है कि बसपा का प्रत्याशी मतदाता उदासीन हो गया हो, जहां बसपा का प्रत्याशी है वहां हो सकता है सपा का मतदाता उदासीन हो गया हो, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और इसलिए बहुत सारे मतदाताओं को राजनीतिक आधार पर डिसइंटरेस्ट पैदा हो जाता है चुनाव में और वो वोट डालने नहीं जाते। तो पहला तो राजनीतिक सिद्धांत हो गया जिसके आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं कि क्यों मतदाताओं का रुझान या मतदाताओं की सहभागिता बावजूद इलेक्शन कमीशन के और सबके प्रयासों के क्यों कम होती है। दूसरा सामाजिक सिद्धांत है। सामाजिक सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी हमारे देश में निर्वाचन होते हैं, चुनाव होते हैं, ये सारे के सारे जाति आधार पे होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जाति समीकरण भी राजनीतिक दल और राजनीतिक जो प्रत्याशी हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ तक कि चुनाव प्रचार में भी जो संगठन बनते हैं फौरी तौर पे या चुनाव प्रचार में जिन लोगों को लगाया जाता है, इसमें बहुत सारे जो पदाधिकारी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने सजातीय लोगों को लगा देते हैं, और सजातीय लोगों को तक अप्रोच करने में भी उनको आसानी होती है। तो जो और जातियों के मतदाता होते हैं या कार्यकर्ता है वो थोड़ा उदासीन हो जाते हैं, तो ये एक सामाजिक आधार पे फैक्टर होता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारी जाति के लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है, हमारी जाति को की उपेक्षा की जा रही है, तो उनको भी थोड़ा डिसइंटरेस्ट पैदा होता है। तो सामाजिक आधार पर ये कभी कभी उपेक्षित जब हम महसूस करते हैं तो हम वोट डालने नहीं जाते। धार्मिक आधार पर भी आपने देखा होगा कि धार्मिक आधार पर भी ये बात लागू होती है, हालाँकि धार्मिक आधार पर थोड़ा सा इसमें बदलाव ये हुआ है कि मुस्लिम बस्तियों का जैसे उदाहरण ले लें तो मूलतः धार्मिक आधार पर मुस्लिम बस्तियां ही हमारे यहाँ इलेक्टोरल एंगल से इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब धार्मिक आधार पर बात होती है तो बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं मुस्लिम बस्तियों में मुस्लिम कार्यकर्ताओं का ही प्रयोग करना चाहते हैं जिससे कि वो उनको एक्सेस कर सकें। अब वो मुस्लिम कार्यकर्ता मुस्लिम मतदाताओं को कितना प्रेरित कर पाते हैं या क्या हो पाता है, उसी आधार पर मतदान में कमी या बेशी हो सकती है। अभी भारतीय जनता पार्टी को हम देखा कि उसने एक नया प्रयोग किया है, उसने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के माध्यम से भी मुस्लिम बस्तियों में एक्सेस किया, और इसलिए हो सकता है बीजेपी के पक्ष में भी कुछ मुस्लिम मतों का मोबिलाइजेशन हुआ हो।
कभी कभी ऐसा होता है कि एक टीना फैक्टर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में TINA, इसका अर्थ होता है देयर इज नो अल्टरनेटिव, टी फॉर देयर, आई फॉर इज, एन फॉर नो और ए फॉर अल्टरनेटिव, TINA, देयर इज नो अल्टरनेटिव। अर्थात वो कहते हैं कि जब हम ये मान बैठते हैं कि किसी नेता या किसी पार्टी का इस समय कोई विकल्प ही नहीं है, तो भी हमको लगता है कि अरे जीतेगी तो वही पार्टी, जीतेगी तो वही नेता, इसलिए क्यों हम जाएं, हमारे वोट देने से क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि हम ये नहीं जानते कि एक एक वोट की कितनी वैल्यू होती है, क्यूमुलेटिव टर्म्स में अगर 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 लोगों ने ऐसा सोच लिया कि जी हमारे देने से क्या फ़र्क पड़ता है, उतने में तो खेल खत्म हो जाता है, एक एक से हार जीत कभी कभी आपने देखा होगा हो जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि जहाँ पे धार्मिक आधार पे या किसी और आधार पे ध्रुवीकरण हो जाता है, वहाँ पे भी वास्तव में बहुत ही एक प्रकार से मोबिलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब ध्रुवीकरण नहीं हो पाता तो भी मोबिलाइजेशन नहीं होता, जैसे कि अभी वेस्टर्न यूपी में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे मायावती जी ने मुस्लिम समाज को गठबंधन के लिए वोट करने का जो आह्वान किया और बिना विभाजित हुए मतदान करने का आह्वान किया, उससे एक ध्रुवीकरण हुआ, उससे रिएक्शन हिंदू में हुआ, और जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ ने कैपिटलाइज कर लिया और अजरंग अली वर्सेज बजरंग बली बना के उसको उन्होंने पेश करने की कोशिश की। तो ये सब ध्रुवीकरण के तरीके हैं, ये बहुत अच्छी कोई चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये राजनीति में होता है, ये चुनाव के दौरान अक्सर हम लोगों को सुनने को मिलता है। लेकिन खुशी संभवतः ये अच्छी बात है कि मोबिलाइजेशन कम होने से, मतदान कम होने से ये संकेत जाता है कि वो लोग अपने ध्रुवीकरण के प्रयास में सफल नहीं हो पाए हैं, और ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। और अंतिम थियोरी इसकी इकोनॉमिक थियोरी हो सकती है कि आर्थिक आधार पे, क्योंकि मनी का रोल जो है इसका भाव ये होता है आर्थिक आधार पे, अगर हम चुनावों का विश्लेषण करें कि मोबिलाइजेशन क्यों हुआ, वोटर्स टर्नआउट ज़्यादा या नहीं हुआ, तो इसमें एक आर्थिक आधार ये होता है कि बहुत सारे जो मतदाता होते हैं वो पैसे के कारण भी मोबिलाइज होते हैं, क्योंकि हमारे देश में सर्वविदित है कि चुनावों में पैसा चलता है, और चूंकि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग मतदाता के रूप में हैं, इसलिए उन मतदाताओं को एक प्रकार से बड़ा इंतज़ार रहता है कि चुनाव आए और चुनाव में ये पॉलिटिकल पार्टी हमको कुछ ना कुछ देंगी। हालांकि उनसे उनका जीवन सुधरना नहीं है, लेकिन फौरी तौर पर उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, उनका 2-4 दिन का काम चल जाता है, उसी में वो प्रसन्न हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि रातों रात कोई साड़ी बांट रहा है, तो कोई शराब बांट रहा है, तो कोई पैसे बांट रहा है, पकड़े भी जाते हैं, चुनाव आयोग रोज पकड़ रहा है, पैसे पकड़ रहा है, नारकोटिक्स पकड़ रहा है, तरह तरह के फ्रीबीज पकड़ रहा है, उसको पकड़ रहा है। लेकिन ऐसी चीज़ों में एक जिसका जो पक्ष है वो ये भी है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने बहुत सख्ती की और मतदाताओं तक वो चीज़ें नहीं पहुंच सकी, तो मतदाता कहेगा साहब इस बार तो हमें कुछ मिला ही नहीं, हम क्यों वोट डालने जाएं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मतदाताओं को कहीं ना कहीं डिसइंटरेस्टेड बना देती हैं और वो चुनाव में मतदान करने नहीं जाते। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ संक्षेप में चीज़ें हैं, कुछ सिद्धांत हैं, राजनीतिक कारण सिद्धांत हैं, सामाजिक सिद्धांत हैं, आर्थिक सिद्धांत हैं, और भी सिद्धांतों की परिकल्पना की जा सकती है, जिसमें कि प्रशासनिक सिद्धांत हो सकता है, इसमें सांस्कृतिक सिद्धांत हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे सैद्धांतिक आधार हो सकते हैं जिस आधार पर भी मतदाताओं को मत डालने में अरुचि हो सकती है। आशा है आप इस पर और अध्ययन करेंगे और एक छात्र भाव से देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में एनालाइज करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मतदाताओं का जो रुझान मतदान कम हुआ है उसका क्या कारण हो सकता है और उसके राजनीतिक निहितार्थ या चुनावी निहितार्थ क्या हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।